लेकर चलते हैं राजस्थान, जहां पर शुद्धिकरण की सियासत ने राज्य के माहौल को गर्मा दिया है। जयपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर एक पार्टी के नेता जी दूसरी पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद दफ्तर के साथ ही साथ लैपटॉप कुर्सी सभी को गंगा जल से किस तरह से शुद्धिकरण किया जा रहा है, इसको बताते हुए ये रिपोर्ट देखिए और इसके जरिए आखिर क्या संदेश और संकेत दिए जाने की कोशिश राजस्थान की पॉलिटिक्स में की जा रही है। ये गहमा गहमी जयपुर के महापौर दफ्तर में है। यहाँ क्या हो रहा है खुद देखिए। यह है बीजेपी के विधायक बाल मुकुंद आचार्य, जो मेयर के दफ्तर में गंगा जल छिड़क रहे हैं। 8 कांग्रेसी और 2 निर्दलीय पार्षदों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, उन्हीं का शुद्धिकरण चल रहा है। वो सीट को शुद्ध कर दो, उधर वाली महापौर वाली सीट को। नए पार्षदों पर गंगा जल छिड़क कर उनका शुद्धिकरण करते हुए बाल मुकुंदाचार्य मेयर के कमरे की ओर बढ़े। वहाँ और गहमा गहमी, अंदर गुलाब के फूल की माला पहने खड़ी ये है नई मेयर कुसुम यादव। बाल मुकुंदाचार्य ने गंगा जल दिया, कुसुम यादव ने सीट पर छिड़का। गंगा जल छिड़कते बाल मुकुंदाचार्य बोले, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल मुकुंदाचार्य ने नई मेयर कुसुम यादव को भी गंगा जल दिया, उन्होंने अपनी सीट पर छिड़क कर उसका शुद्धिकरण किया। बाल मुकुंदाचार्य फिर दफ्तर में खड़े अन्य लोगों पर गंगा जल छिड़कते रहे, वहां जयकारों की गूंज चलती रही। इस बीच वहां पूजा पाठ भी हुआ। बाल मुकुंदाचार्य ने अपने हाथों से लैपटॉप पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया, चीनी के बताशे और पुष्प अर्पित किए और फिर वहां मोदी मोदी के जयकारे भी लगे। मैं हमेशा मेरी गाड़ी में गोमूत्र गंगा जल रखता हूं और मैं रोज स्वयं भी अपना पान करता हूं। तो गोमूत्र गंगा जल रखा था तो एक मांग उठी कि भाई ये भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है आज ये भवन और भ्रष्टाचार मेयर हट गई है, अब शुद्धिकरण होना चाहिए। तो गंगा जल गोमूत्र हमने सब पे छिड़क दिया कि भैया पवित्रता से यह काम होगा, ईमानदारी से काम होगा और जयपुर की स्वच्छता स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए जयपुर की सुंदरता का ध्यान रखते हुए वो भी पवित्र हो गए। देखिए जो 8-10 पार्षद कांग्रेस के बीजेपी में समर्थन दे के शामिल होके आए हैं वो प्रारंभ से ही कांग्रेस के मेयर के खिलाफ थे।